तो भाइयों बूंदी रियासत के उत्तराधिकारी को लेकर क्षत्रिय समाज में भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भाइयों हाल ही में रियासत के 26वें उत्तराधिकारी के रूप में जहां ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाडा की ताजपोशी की गई, लेकिन शाही उत्तराधिकारी परिवार ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने वर्षवर्धन सिंह कापरेन को बूंदी की पग का असली हकदार माना है। तो भाइयों जिसको देखते हुए 2 अप्रैल को वर्षवर्धन सिंह जी को बूंदी के सभी ठिकानेदारों और बड़े बड़े राजघरानों द्वारा काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और माना जा रहा है कि 2 अप्रैल को उनका कुपराना महल से लेकर मोती महल में उनका राज तिलक होगा। तो भाइयों देखने की बात ये है कि इसको लेकर अलवर के जो राजा हैं जितेंद्र सिंह जो मंत्री भी हैं उन पर भी काफ़ी नज़र थी, लेकिन अब उन्होंने भी वंशवर्धन सिंह को ही राजघराने का वंशज मानते हुए उनका राज तिलक करने को कहा है। इसके अलावा जितने भी जागीरदार ठिकानेदार और जितने भी राजा हैं वो भी वंशवर्धन सिंह को ही राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वंशवर्धन सिंह भी बूंदी के पास कोपरेन जागीर के राजघराने से संबंध रखते हैं और अपने राजमहल में रहते हैं। और इसके अलावा कोटा के जो राजा बने हैं अभी उत्तराधिकारी बनने के प्रोग्राम में भी वे गए थे, उनको कोटा रियासत और अलवर रियासत का भरपूर समर्थन मिल रहा है, बूंदी के महाराजा बनेंगे। तो भाइयों बूंदी और कोटा है ये हाडा राजपूतों की रियासत है और अलवर जो है वो नारुका राजपूतों की रियासत है। तो भाइयों सभी लोग 2 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे ताकि आने वाले टाइम में भी ये लड़ाई ना पनपे और कोई वंशज ही उनका राजा बने। तो भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वंशवर्धन सिंह जी जो अभी युवा हैं और वो अच्छे से बूंदी रियासत को चला सकते हैं।